हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है कि अगर सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स में अगर कोई टू ट्रायंगल्स बने हों तो उन ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। आज की क्लास में हम उनसे रिलेटेड बुक की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ए डी इस ट्रायंगल का मीडियन है, और इस मीडियन का मिड पॉइंट हमें गिवन है ई। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मीडियन है ए डी, और ए डी में कहीं पर कोई पॉइंट है ई। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी ई का एरिया ए सी ई ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें गिवन है कि ट्रायंगल डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल का हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इस ए डी ने ए बी डी एंड ए सी डी इसे टू ट्रायंगल्स में बांट दिया है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, तो हमें ये मिल गया। हम इसे ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज बी सी एंड डी, तो हमें मालूम है कि अगर हम इस तरह से एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ये जो ई डी है वो इस ट्रायंगल का भी मीडियन होगा। Similarly, AD is median of triangle EBC. और अगर ये इसका मीडियन है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ EBD is equal to area of ECD. ठीक है, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब हम यहाँ से करते हैं इक्वेशन टू, इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी, और राइट साइड पे हमें मिल गया एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ई सी डी। ओके, अब यहाँ से समझिए एरिया ऑफ ए बी डी माइनस ई बी डी। ए बी डी हमें ये टोटल एरिया मिल रहा है, और इस एरिया से अगर हम इस एरिया को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी ई। तो इसका सब्ट्रैक्शन करके हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ई, एंड सिमिलरली दिस इज एरिया ऑफ ए सी ई। ओके, इस टोटल में से अगर हमने इतने पार्ट को रिमूव कर दिया तो हमें मिल जाएगा ए सी ई, और एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई, यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी E is the midpoint of median AD. Show that area of BED is equal to 1/4 of area of ABC. हमें यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर भी AD एक मीडियन है, AD is median of ट्रायंगल ए बी सी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब
यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो पॉइंट ई है वो इस ए डी का मिड पॉइंट है. हम यहाँ से लिख सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी. तो अगर ई ए डी का मिड पॉइंट है दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं सो इन ट्रायंगल ए बी डी. अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं बी ई इज मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल. बी ई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. सो एरिया ऑफ ए बी ई is equal to area of EBD. ये बात समझ में आ गई. यहाँ पर हमें हम इसके जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें गिवन था कि E AD पर एक कहीं पर भी पॉइंट है. उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें हमें ये नहीं गिवन था कि E AD का मिड पॉइंट है, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि E is मिड पॉइंट ऑफ AD. तो अगर ई ए डी का मिड पॉइंट है तो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी डी तो बी ई उस कंडीशन पर मीडियन बन जाएगा और इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटते हैं. इसी तरह से हम इस सेकेंड ट्रायंगल के लिए लिख सकते हैं जो यहाँ पर बन रहा है ए सी डी. इस ट्रायंगल के लिए हम लिख सकते हैं सी ई इज मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली सी ई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए सी डी. तो ए सी डी का ये मीडियन है, मतलब एरिया ऑफ ए सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई सी डी. ये हमें मिल गया. अब हमें यहाँ से क्या मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल हैं, पर इन दोनों ट्रायंगल्स में के अंदर जो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके एरिया आपस में इक्वल हैं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये इक्वेशन नंबर टू है और ये इक्वेशन नंबर थ्री है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इन तीनों इक्वेशन का कंपेयर करके हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी. दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई प्लस ए सॉरी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ई सी डी. ओके, तो ये सभी एरिया आपस में इक्वल हैं जो यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर, फोर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, सभी ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल हैं. पर हम यहाँ से बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ दिस फोर एंगल्स, सम ऑफ दिस फोर ट्रायंगल्स. तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ई सी डी. ये हमें मिल रहा है. अब अगर ये सभी एरियाज आपस में इक्वल हैं तो हम सभी की प्लेस पर बी सी बी ई डी पुट कर सकते हैं. यहाँ पर सुधार लीजिएगा, दिस इज बी ई डी, बी ई डी, मैंने इसे गलती से बी सी डी लिखा था, दिस इज बी ई डी. ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ई डी. तो ये सभी एरिया आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पर सभी की प्लेस पर बी ई डी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी ई डी प्लस एरिया ऑफ बी ई डी प्लस एरिया ऑफ बी ई डी प्लस एरिया ऑफ बी ई डी. फोर टाइम्स हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर इंटू एरिया ऑफ बी ई डी. ठीक है, अगर फोर को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू वन बाई फोर्थ ऑफ
एरिया ऑफ ए बी सी, और इस हमें यही वैल्यू प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन पर हमें गिवन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इसे फोर इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटते हैं। तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। तो इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और यहाँ पर ए सी और बी डी टू डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर जो फोर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इन ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। तो हमने पैरेललोग्राम के चैप्टर में स्टडी किया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ओके, अब हम यहाँ से ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं। अगर हम लेते हैं ADB ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB, तो इस ट्रायंगल्स में हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस BD लाइन का ये O पॉइंट मिड पॉइंट होगा, और अगर ये O मिड पॉइंट है मतलब AO इसका मीडियन होगा। तो हम लिख सकते हैं AO इज मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। ये हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से सेकेंड ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में भी AC का मिड पॉइंट है O, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमने अभी फाइंड किया था कि AO और OC आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं तो O AC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BO इज मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और अगर ये इसका मीडियन है मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। ओके, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। इसी तरह से हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। और इस ट्रायंगल में OC इसका मीडियन है, तो हम लिख सकते हैं OC इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल BCD, और अगर ये मीडियन है मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब इन तीनों इक्वेशन का कंपेयर करते हैं, इक्वेशन वन टू एंड थ्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल है ए ओ बी के, पर एरिया ऑफ ए ओ बी यहाँ पर इक्वल है बी ओ सी के, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह से ये बी ओ सी इक्वल है सी ओ डी के, मतलब ये जो फोर ट्राइंगल्स बन रहे हैं उन सभी ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल हैं। एरिया ऑफ
AOB is equal to area of BOC is equal to area of COD is equal to area of DOA. इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल हैं और यही हमें प्रूफ करना था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इसे फोर इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटते हैं, तो हम इसे इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज bisected by AB at point O, then show that area of ABC is equal to area of ABD. हमें ये figure given है और हमें prove करना है area of ABC equal होगा area of ABD के। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें given है कि ये जो point ओ है यहाँ पर ये लाइन सी डी बाइसेक्ट हो रही है, मतलब हम लिख सकते हैं कि हमें गिवन है सी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में ए ओ इज ए मीडियन, इस ट्रायंगल में AO मीडियन है क्योंकि बेस को ये, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो ये बेस बन जाएगा CD और इस CD को ये लाइन AO बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। ओके, इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर वन। एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में BO मीडियन है क्योंकि उसका भी बेस सेम है, अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो यहाँ पर उसका भी बेस सेम है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOD, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन वन प्लस टू, तो वन के लेफ्ट साइड पर हमें मिल रहा है एरिया ऑफ AOC और ये ऐड हो जाएगा एरिया ऑफ BOC से, ठीक है। इसी तरह राइट साइड की वैल्यूज को ऐड करते हैं, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD, ठीक है। AOC और BOC ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो AOC हमें ये वाला साइड मिल रहा है और BOC हमें मिल रहा है ये वाला साइड। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ट्रायंगल कौन सा मिल गया, ABC। तो इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। एंड सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मीट पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। Show that first point is BDEF is a parallelogram. Second point is area of DEF is equal to 1/4 of area of ABC. And third is area of BDEF is equal to half of the एरिया ऑफ ए बी सी। हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मीट पॉइंट हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी का मीट पॉइंट है एफ, बी सी का मीट पॉइंट है डी एंड ए सी का मीट पॉइंट है ई।
अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ ट्रायंगल। अब हमें प्रूफ करना है कि बी डी ई एफ जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बी डी ई एफ दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। अब हमें इसे किस तरह से कर सकते हैं, हमें यहाँ पर गिवन है, हम लिख सकते हैं एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अगर ये दोनों इसका मिड पॉइंट है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू EF is parallel to BC and EF is half of the BC। ये हमें कैसे मिला? तो ये हमें मिलता है मिड पॉइंट थ्योरम से, जो हमने स्टडी किया है अभी पिछले चैप्टर में, कि अगर किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन ज्वाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड का जो भी लेंथ होता है उसका हाफ होती है। ये आप पिछले चैप्टर्स पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमें मिल रहा है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया है कि डी बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिखा है कि ई एफ इज हाफ ऑफ द बी सी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी एंड सिमिलरली बी डी एंड सी डी, बी डी और सी डी भी कित क्या है हाफ ऑफ द बी सी के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये इसका मिड पॉइंट है। तो इस दोनों कंडीशन से हमें क्या मिल गया, ई एफ और बी डी ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर बी डी और ई एफ इक्वल है और यहाँ से हमें मिल रहा है कि ये जो लाइन है बी सी वो ई एफ के पैरेलल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी डी ई एफ के पैरेलल है, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो अगर बी डी और ई एफ इक्वल है, बी डी और ई एफ पैरेलल है, दैट मीन्स बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। सो बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये हमें इस तरह से मिल गया और इसके फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन में हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो इसे करते हैं, इसके लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने अभी प्रूफ किया कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ डी क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो अगर ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है तो हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसे टू इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में बांटता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम एंड ई एफ डी एफ इज डायगोनल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी एफ is equal to area of DEF, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटता है, तो इससे हमें ये मिल गया, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था BDEF is a parallelogram, similarly यहाँ से हमें मिलेगा कि CDEF भी एक parallelogram है, बिकॉज यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी डी और सी डी आपस में इक्वल है
और ई एफ और बी डी इक्वल है, जिसके बल पर हमने प्रूफ किया था कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, तो सी डी भी बी डी के सी डी भी ई एफ का इक्वल है और सी डी भी इसके पैरेलल है। सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं सी ई एफ डी, सी ई एफ डी इज पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ई डी इसका डायगोनल है, ई डी इज डायगोनल। तो अगर ये इसका डायगोनल है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ओके, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, 2। और इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि यहाँ से ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इसे बेस माना था और प्रूफ किया था। अगर यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है कि डी बी सी का मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर हम इस लाइन को लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से वो एस के पैरेलल होगा, मतलब ए सी और एफ डी पैरेलल होंगे और साथ ही एफ डी और ए ई इक्वल होगा, मतलब ये लेंथ इसके इक्वल होगा और ये लेंथ इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से एफ डी ई ए भी एक पैरेललोग्राम होगा, एफ डी ई ए इस पैरेललोग्राम। आप करके देखिएगा, ये भी हमें वैसे ही मिलेगा और हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सभी ट्रायंगल्स के एरिया डी ई एफ के इक्वल है, मतलब ये सभी ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होंगे। और हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया इन फोर ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर है। तो हमें ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ सी डी ई। ठीक है, पर हम यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ई एफ ये इक्वल है डी ई एफ के, बी डी एफ ये भी इक्वल है डी ई एफ के, तो सभी की प्लेस पे हम एरिया ऑफ डी ई एफ पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 टाइम्स ऐड होके हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ डी ई एफ। 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो एरिया ऑफ डी ई एफ ये हमें मिल जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो हमें ये मिल गया और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि बी डी ई एफ, मतलब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, इस पैरेललोग्राम का एरिया वो इस ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का हाफ होगा। तो ये भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ बी डी एफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। यहाँ पर इस और इस ट्रायंगल के एरिया का सम होगा इस पैरेललोग्राम का एरिया, पर हमने यहाँ पर फाइंड किया था कि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हैं, तो दोनों की प्लेस पर हम डी ई एफ पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ बी डी ई एफ। अब हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया है कि एरिया ऑफ डी ई एफ, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये 2 यहाँ से और एरिया ऑफ डी ई एफ की प्लेस पे हम लेते हैं 1/4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है,
तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया और ये हमें मिल गया 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी. दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ. और ये वैल्यू हमें थर्ड कंडीशन पर प्रूव करनी थी. तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया का हाफ है और इस ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया पैरेललोग्राम ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का 1/4 है. तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं. इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इन फिगर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सच दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन शो दैट एरिया ऑफ डी ओ सी is equal to area of AOB and area of DCB is equal to area of ACB. Third is DA parallel to CB and ABCD is a parallelogram. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं ए सी और बी डी तो ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मीट करते हैं. हमें गिवन है कि डी ओ और ओ बी या हम लिख सकते हैं बी ओ और ओ डी ये आपस में इक्वल हैं और सिमिलरली ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं. ए बी इज इक्वल टू सी डी. हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉल्व करने के लिए. हम क्या करते हैं डी पी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए सी पर और इसी तरह से बी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए सी पर. तो हम लिख सकते हैं ड्रॉ डी पी परपेंडिकुलर टू सी ए एंड सिमिलरली बी क्यू परपेंडिकुलर टू सी ए. ठीक है तो ये इस लाइन को यहाँ पर मिल रहा है. अब हम एक एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हमें जो प्रूव करना है उसके बेसिस पर. तो हम यहाँ से लेते हैं ट्रायंगल डी ओ पी या डी पी ओ एंड ट्रायंगल बी क्यू ओ. दिस ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स में देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं डी पी ओ एंगल बी क्यू ओ एंगल के इक्वल है. एंगल डी पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ओ. क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. और सिमिलरली दिस एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू. दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है अब इसके बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. तो इस तरह एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल डी पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू ओ बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी. तो अगर ये टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी रूल से इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी हमें मिल जाएगा डी पी इज इक्वल टू बी क्यू. डी पी इज इक्वल टू बी क्यू. ओके अब हम सेकेंड ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ट्राइंगल डी पी सी एंड ट्राइंगल बी क्यू ए. ट्राइंगल डी पी सी एंड ट्राइंगल बी क्यू ए. इन टू ट्राइंगल्स में देखिए अभी हमने फाइंड किया कि डी पी और
बी क्यू, ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और हम लिख सकते हैं एंगल दिस बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, डी पी सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब हमें ये टू वैल्यूज मिल गई और हमें यहाँ पर मालूम है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक एंगल इक्वल मिल गया और टू साइड्स इक्वल मिल गए, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये दोनों आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी मींस आरएचएस प्रॉपर्टी से दिस इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल डीपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीक्यूए बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। अब अगर ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं मीन्स हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीक्यूए, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले थे डीपीओ एंड बीक्यूओ, तो इनके एरिया भी इक्वल मिलेंगे। एरिया ऑफ डीपीओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीक्यूओ, ठीक है। तो अगर हम इसे मान लें इक्वेशन वन और इसे मान लें इक्वेशन टू और दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन वन प्लस टू, तो लेफ्ट साइड पे हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ डी पी ओ प्लस एरिया ऑफ डी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ बी क्यू ए, ओके। तो देखिए डी पी ओ ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस स्मॉल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन डी पी सी ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों मिला के कौन सा ट्रायंगल हो गया, डी ओ सी, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी। एंड सिमिलरली ये दोनों एंगल्स ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम हो जाएगा ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी। और यही हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ये जो हमें मिला है एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी, ये हमें ये दोनों एरिया इक्वल मिले। अगर हम इसमें बी ओ सी इस एरिया को ऐड कर दें बोथ साइड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एड एड एरिया ऑफ बी ओ सी, इस ट्रायंगल के एरिया को बोथ साइड ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ डी ओ सी, देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ डी ओ सी इज दिस पार्ट दिस कंप्लीट पार्ट प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी दिस पार्ट। तो अगर इन दोनों एरिया को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ बी सी डी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था एरिया ऑफ डी सी बी, और इसी तरह से यहाँ पर है ए ओ बी दिस पार्ट, और अगर हम इसमें बी ओ सी को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये ट्रायंगल का एरिया। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट प्रूफ होता है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें इसके फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है उसमें एरिया सी बी ओ सी ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देना है, तो ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं।
में हमें प्रूव करना है कि डी ए और सी बी आपस में पैरेलल होंगे, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रायंगल मिले थे इस तरह से, ये एक ट्रायंगल है हमने जो लिखा, और ये एक ट्रायंगल हमने बनाया था, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, और हमने प्रूफ किया था कि सी पी डी ये ट्रायंगल बी क्यू ए ट्रायंगल के कॉन्ग्रूएंट है। यहाँ पर हमने इसे कॉन्ग्रूएंट प्रूफ किया था। तो अगर ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रूएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल डी पी सी इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए। हमें मिल रहा है डी पी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए। तो अगर ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रूएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है एंगल डी सी पी ये इक्वल होगा एंगल बी ए क्यू के, बी ए क्यू। और ये किस टाइप के एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, दे आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और जिसके कारण जो सी बी है वो डी ए के पैरेलल होगा एंड सी बी और डी ए आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना हुआ है वो एक पैरेललोग्राम है। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है इस तरह से, ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि डी और ई ए बी एंड ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। तो जब हम इसे मिलाते हैं तो उस कंडीशन पर हमें गिवन है कि एरिया ऑफ डी बी सी, डी बी सी मीन्स अगर हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर दें और इसे इस तरह से ज्वाइन कर दें तो हमें जो गिवन कंडीशन है दैट इज एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। अब हमें गिवन है कि ये इनके मिड पॉइंट है और ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल हैं, और हमें प्रूफ करना है कि डी ई और बी सी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है, जो दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इन्हें देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि इनका जो बेस है वो सेम है बी सी। हम यहाँ से लिख सकते हैं बोथ ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस बी सी। ये सेम बेस बी सी में बने हुए हैं एंड गिवन दैट एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। तो हमें गिवन है कि इनके एरिया इक्वल हैं और ये दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं। तो हमने पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं और उनके एरिया इक्वल होते हैं दैट मीन्स वो सेम पैरेलल्स में बने होते हैं। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू डी ई, मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सेम पैरेलल्स के बीच में भी
बने हुए हैं. तो इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है कि ये सेम बेस पर बने हुए हैं और इनके एरिया इक्वल हैं. इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. इफ बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, मीट एक्स वाई एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ. हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है और इस ए बी सी ट्राइंगल में कोई पॉइंट है एक्स एंड वाई, और ये जो लाइन है एक्स वाई, ये हमें गिवन है कि एक्स वाई बी सी के पैरेलल है. एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है. तो इस तरह से हमने एक्स वाई को बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया. अब हमें गिवन है कि अगर हम इस एक्स वाई लाइन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आगे इसे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है ई और यहाँ पर एक पॉइंट है एफ. तो अगर हम इसे मिला दें, इस पॉइंट ई को ए से मिला दें और एफ को ए से मिला दें, तो हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ. मतलब ए बी ई इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो लाइन बनी हुई है बी ई, दिस इज पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी. ये कंडीशंस हमें गिवन है. तो यहां से देखिए, अगर ये एक्स वाई और बी सी पैरेलल हैं, तो एक्स वाई और बी सी पैरेलल हैं, जैसे अगर ये कोई लाइन है और ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, दिस एक्स वाई और ये है बी सी, तो अगर ये इसके पैरेलल है और हम इसे आगे बढ़ा देते हैं और ये पॉइंट बन जाता है ए, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स ए इज पैरेलल टू बी सी? तो आंसर है यस, क्योंकि अगर ये कोई टू लाइन पैरेलल है और उनमें से किसी एक लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं या दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर वो पैरेलल है तो वो उसी वे में आगे बढ़ेंगे, वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इन दिस फिगर बी सी इज पैरेलल टू, दिस बी सी इज पैरेलल टू ई वाई. ठीक है, सो बी सी वाई ई इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि बी ई और ये जो ए सी है वो दोनों पैरेलल हैं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी ई सी वाई के भी पैरेलल होगा. ठीक है, तो अगर ये इन दोनों के पैरेलल हैं, दैट मीन्स बी सी वाई ई इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, और सिमिलरली बी सी एक्स एफ के भी पैरेलल है और एक्स बी एंड सी एफ भी पैरेलल है. तो हम लिख सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू एक्स एफ एंड बी एक्स इज पैरेलल टू सी एफ, सो बी सी एफ एक्स इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम हैं और हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, मतलब उन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल होंगे. तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स, क्योंकि हम यहाँ से इसका रीज़न लिख सकते हैं ये दोनों पैरेलल सेम
बेस BC पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स BC और EF के बीच में बने हुए हैं। अब हम कंसीडर करते हैं BCYE इस पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम BCYE एंड ट्रायंगल ABE, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABE, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BCYE। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हमें इस तरह से मिल रहा है यहाँ पर, ओके। और ये जो ट्रायंगल है ये हमें ये मिल रहा है। अब अगर हम मान लें कि इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल का बेस है BE, तो ये दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, दिस इज BE। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाती हूँ तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, ये बेस है BE, ओके। और एक पैरेललोग्राम बना हुआ है इस तरह से, अगर हम इसे इस तरह से लेते हैं तो ये पैरेललोग्राम हमें मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये जो यहाँ से AC लाइन है, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज Y, अगर हम इसे पैरेलल लाइन को इस तरह से बढ़ाएं तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल मिल रहा है। ये ट्रायंगल हमें इस तरह से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है वो सेम बेस BE पर बने हुए हैं, और BE और ये लाइन जो है AC, इन दोनों पैरेलल के बीच में बने हुए हैं। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल और कोई पैरेललोग्राम सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स में बने होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, तो वो थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। हम यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज ड्रॉन ऑन द सेम बेस BE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BE एंड AC, ओके। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX, क्योंकि ये दोनों सेम बेस CF पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल CF और AB के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसे ले ले इक्वेशन नंबर 2 और इसे ले ले इक्वेशन नंबर 3 और तीनों इक्वेशन का कंपेयर करें तो ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया आपस में इक्वल हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया हैं वो इन पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हैं। तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इनका कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, ठीक है। और यही हमें यहाँ से देखिए प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, जहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है वो सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए पार्ट करेंगे, इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।